हेलो गाइज, मेरा नाम है सुम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 और Redmi Note 10S के MIUI 13 इंडिया अपडेट के बारे में, क्योंकि इन दोनों ही डिवाइसों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे इनको MIUI 13 का अपडेट बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई। जैसे कि पता है, काफ़ी समय से इन दोनों ही डिवाइसों को MIUI 13 का अपडेट नहीं मिला और काफ़ी लोगों का कमेंट आते हैं भाई इनका अपडेट कब मिलेगा। हालांकि Redmi Note 10 का तो फर्स्ट बैच में नाम था, लेकिन उस अपडेट को पोस्टपोन वगैरह कर दिया क्योंकि प्रॉब्लम वगैरह रही थी। तो सब कुछ डिटेल देता हूँ, क्या कुछ डिटेल निकल के आई है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहेगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बल्कि जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए इस गुड न्यूज के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Redmi Note 10S की गुड न्यूज के बारे में। जी हाँ, क्योंकि इसका अपडेट पूरा हो चुका है रेडी, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं Xiaomi MIUI की तरफ से ये पोस्ट करके बता दिया गया है, देख सकते हैं। आपको यहाँ पे फोकस करके दिखाता हूँ, Redmi Note 10S MIUI 13 अपडेट इज रेडी। और नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो इसका वर्जन भी बता दिया गया है, कौन सा वर्जन इसके लिए रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं SKL, सबसे पहले ये देखते हैं Redmi Note 10S का इकोडर MI मतलब ग्लोबल XM, और बेस देखते हैं Android 12 के साथ ही होने वाला, Android 11 के साथ नहीं मिलेगा, Android 12 के साथ ही आपको MIUI 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब MIUI 13 प्लस Android 12 का अपडेट, मतलब एक बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है। और वर्जन की बात करें 13.0.1.0 इसका वर्जन रहने वाला है। जी हाँ, तो ये देखते हैं अपडेट Redmi Note 10S के लिए रेडी हो चुका है। पहले ये जो अपडेट है ग्लोबल के अंदर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि देखते हैं MI का, अगर आप ग्लोबल यूजर हैं तो 4 से 5 दिन में मुझे लग रहा है आपके लिए अपडेट आ जाएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर से देखे हैं जब भी कोई अपडेट रेडी हो जाता है उसके 5-7 दिन के अंदर उसको अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पहले ग्लोबल में आएगा, उसके 10-1 दिन बाद मेरे ख्याल से इंडिया में भी अपडेट Redmi Note 10S को देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली Redmi Note 10S का इंतजार खत्म हो चुका है, इसके लिए अपडेट पूरा रेडी हो चुका है Xiaomi की तरफ से, और बहुत जल्दी आपके लिए अपडेट वगैरह रोल आउट होना स्टार्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 10 डिवाइस की। जी हाँ, जैसे कि पता है Redmi Note 10 के लिए MIUI 13 का अपडेट रेडी पड़ा था, मतलब Redmi Note 10 डिवाइस के लिए, लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि ना अपडेट पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि उस अपडेट में आ चुकी थी बग एंड प्रॉब्लम। जी हाँ, उसके कारण इस अपडेट को मतलब स्टॉप करके एक 12.5.6.0 का अपडेट इंडिया में रिसेंटली अभी रोल आउट किया, जो कि 50 MB का अपडेट है। जी हाँ, अब देखा जाए तो 3 से 4 महीने में इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला, इससे पहले भी 50 MB का अपडेट आया था और वापस से 50 MB का अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पे पता है 12.5.6.0 रोल आउट किया गया था, लेकिन जो आज की डेट में ये अपडेट फुल्ली रोल आउट हो चुका है, मतलब सभी यूजर को इंडिया में ये अपडेट देखने को मिल चुका है। अगर ये अपडेट फुल रोल आउट नहीं होता तो मतलब MIUI 13 का अपडेट भी तो थोड़ा पोस्टपोन होता ना, तो अपडेट ये फुल्ली रोल आउट हो चुका है इंडिया के अंदर। अभी भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं वेबसाइट पे भी लिस्ट हो चुका है, ठीक है 12.5.6.0। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यूरोप के अंदर भी MIUI 13 का अपडेट Redmi Note 10 के लिए रिलीज हो चुका है। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कि ग्लोबल के अंदर भी रिलीज हो चुका है Redmi Note 10 के लिए 13.0.5.0, और एक और है देखते इस कंट्री के लिए भी रोल आउट हो चुका है, मतलब 3 कंट्रियों के लिए MIUI 13 का अपडेट रोल आउट हो चुका है। और बाकी कंट्रियों के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी तो 12.5.6.0 इंडोनेशिया में भी रोल आउट किया, और तो इंडिया में भी 12.5.6.0 का अपडेट रोल आउट किया, लेकिन यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पे MIUI 13 का अपडेट वापस से रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखते हैं MIUI 13 का फोकस करके दिखाता हूँ, इंडोनेशिया के अंदर वापस रोल आउट हो चुका है, 12.5.6.0 इसका रोल आउट हो चुका है, फुल्ली रोल आउट हो चुका है। और यहाँ पे MIUI 13.0.2.0 का SKIDR मतलब इंडोनेशिया रेम स्टेबल अपडेट 2.6 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी आपने काफ़ी देखे होंगे इंडिया के अंदर इंडोनेशिया में जब रोल आउट होते हैं ना, तो इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी वो रोल आउट हो जाते हैं। मैंने काफ़ी सारे डिवाइसों के लिए देख लिया ऐसा, इंडोनेशिया में जब रोल आउट होते हैं उसके बाद ही इंडिया के अंदर काफ़ी सारे डिवाइस होते हैं जिनको अपडेट मिलते हैं। तो Redmi Note 10 को भी बताया जा रहा है अब कुछ दिनों के अंदर MIUI 13 का अपडेट इंडिया में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, Redmi Note 10 के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया में भी 12.5.6.0 का 50 MB का अपडेट आया था, वो भी फुल रोल आउट हो चुका है, और इंडिया में फुल रोल आउट हो चुका है। इंडोनेशिया में MIUI 13 का अपडेट कुछ दिनों से रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फुल रोल आउट नहीं हुआ, बस कुछ ही दिनों के अंदर मिल जाएगा धीरे धीरे IM नंबर के हिसाब से। अब यहाँ पे इंडिया में भी Redmi Note 10 के लिए बताया जा रहा बहुत जल्दी अपडेट आ सकता है, पूरा एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि अप्रैल में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अप्रैल में ही Redmi Note 10 के लिए MIUI 13 का अपडेट रोल आउट हो जाए। आई होप आज वीडियो पसंद आई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब ट्रैक करने के बाद जय हिंद, वंदे मातरम।